चीफ इंजीनियर की गुंडा आकर दी नहीं चलेगी, चीफ इंजीनियर की गुंडा आकर दी नहीं चलेगी, चीफ इंजीनियर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, चीफ भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, 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 भ्रष्टाचार बंद करो। सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अनिल कुमार आहूजा अपनी मनमानी करते हुए स्थानीय ठेकेदारों को कारना देते हुए बाहरी क्षेत्रों के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा कार्यालय के इंजीनियर्स और कर्मचारियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए भोपाल विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेसी नेता मोहम्मद सलीम ने 7 सूत्रीय ज्ञापन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एडिशनल डीजी मुकेश पिच के नाम से सीपीडब्ल्यूडी के मुख्यालय में अधिकारियों को सौंपा। अरेरा हिल्स स्थित कार्यालय में पहुंचे मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाया कि चीफ इंजीनियर अनिल कुमार आहूजा स्थानीय ठेकेदारों को निविदाओं के समय तरह तरह की शर्तें डालकर उन्हें बाहर कर देते हैं और फिर अपनी पसंद के भारी ठेकेदारों को निविदा आवंटित कर दी जाती है। उनका ये भी आरोप है कि अनिल कुमार द्वारा जहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है वहीं कार्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी भी नहीं दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को तुरंत हटाने की मांग करते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच की मांग भी की है। उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन देने राजधानी करेरा हिल्स स्थित सीपीडब्ल्यूडी के मुख्यालय पहुंचे मोहम्मद सलीम के साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमने सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अनिल कुमार आहूजा जी के की अनियमितताओं के विरोध में और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ में आज यहां पर हमने प्रदर्शन किया है और साथ ही जो एडिशनल डीजी हैं उनके नाम से यहां पर ज्ञापन दिया है। बात यह है कि जब से अनिल कुमार मुख्य अभियंता यहां पर आए हैं मध्य प्रदेश में 2 साल हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी हालत दयनीय हो गई है। उनको काम ना देकर जिन इलाकों में ये पदस्थ रहे अनिल कुमार आहूजा जी उन इलाकों से कॉन्ट्रैक्टर्स को लाकर बुलाकर ये उनको काम दे रहे हैं और खासतौर से बात यह है कि ऐसे नियम और ऐसी शर्तें मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स पर लागू कर देते हैं ताकि मध्य प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स निविदाओं में जो टेंडर होते हैं उसमें हिस्सा ले पाए। हमने जो अभी ज्ञापन दिया है वो हमारा ये कहना है कि दिल्ली और दूसरी जगहों पे यहाँ पर ये पदस्थ रहे हैं अनिल कुमार आहूजा जी, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के ठेके दे रहे हैं, निविदाएं जरूर बुलाते हैं लेकिन उन निविदाओं में मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल नहीं हो पाते क्योंकि ये ऐसी शर्तें यहाँ पर लागू कर देते हैं। अगला कदम ये है कि अगर इसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमारा जन आंदोलन जो है वो और बढ़ेगा और साथ ही हमारे धरना प्रदर्शन और हम इनका घेराव करेंगे जो ये आहूजा हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और लोगों के यहाँ पर कार्यालय में बैठकर अनियमितताएं कर रहे हैं, जो ठेकेदार पूछने आते हैं, जो पब्लिक के लोग पूछने आते हैं उनके साथ अव्यवहार करते हैं तो उनके विरोध में लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।